सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है, उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना तो अपनों को। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितने भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। आपके जीवन की श्रेष्ठता इस बात से निर्धारित नहीं होती कि आप दूसरों को कितना नीचा साबित कर पाते हैं, बल्कि आपकी श्रेष्ठता इस बात से साबित होती है कि आप दूसरों को कितना श्रेष्ठ बना पाते हैं। आज का पंचांग 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि, दोपहर 1:15 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र रात्रि 9:40 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:10 से 1:34 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, हमारा टेलीग्राम चैनल बन गया है जहाँ पर जल्द ही प्रत्येक दिन एक सब्सक्राइबर का कुंडली बनाकर दिया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा। तो जल्द ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सिंह राशि 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार, आपको आज बहुत सारी चीजों से जुड़े अपने वादों को निभाना है। अपनी सामाजिक वित्तीय तथा निजी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार रहें। आपके परिजनों दोस्तों और सहकर्मियों सभी को आपसे मदद की अपेक्षा रहेगी पर आप इस दबाव को सह पाने में बिल्कुल समर्थ हैं। आज अपने शब्दों और कामों दोनों ही तरीकों से लोगों की मदद करेंगे। रोजाना की चिंताओं को छोड़कर आज आपने जो मुकाम हासिल किए हुए हैं उनके लिए आभारी बनें। अपनी योजनाओं के अच्छे और बुरे दोनों ही पक्षों के बारे में सोचें क्योंकि इनके असफल होने की संभावना है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आज के दिन अच्छा है। आज के दिन आमदनी से जुड़ा रहेगा। अपने उधार व आमदनी का अंदाजा लगाना और सही आर्थिक फैसला लेना आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। उतार और चढ़ाव दोनों की संभावना है। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर अपने सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो यह समझ ले कि आपने सफलता के सारे द्वार खुद ने बंद कर लिए हैं। परिवार में चल रही समस्या आपके प्रयासों से सुलझ सकती है। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को अंजाम दें। भूमि संबंधी खरीद बिक्री का काम गति में आएगा। किसी काम को लेकर आपका नजरिया दुष्टों के अलग हो सकता है और वह बेहतर भी रहेगा। हर एक काम में गहराई से विचार करते हुए निर्णय लेने की कोशिश करें। जिन बातों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं वह आगे चलकर बड़ी समस्या और नुकसान का कारण बन सकती है। वर्तमान में जो अवसर मिल रहे हैं उन पर ध्यान देकर अपनी परिस्थिति में सुधार करें। हर बार अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने की जिद में स्वभाव नकारात्मक हो सकता है। आलस बढ़ेगा। इस कारण तय किए गए काम पूरे न होने से लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर को दिए वचन को ठीक से निभाने की कोशिश करें। आज का दिन इस राशि के जातकों के लिए कमाई के लिहाज से अच्छा भी रहेगा, लेकिन फैमिली लाइफ में आज इनको परेशानी हो सकती है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है। नौकरी में आज आपको दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने का मौका मिल सकता है, लेकिन काम के मामले में टीम वर्क पर आपको फोकस करना होगा। आप आज मनपसंद भोजन का आनंद लेंगे और तांबा सोना या पीपल की वस्तु की खरीदारी करें तो यह आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। बिजली के उपकरण का कारोबार करने वाले जातक आज अच्छी कमाई कर पाएंगे। सुबह कार्यों में विलंब होगा और मेहनत की धन प्राप्त नहीं होगा। दोपहर में मांगलिक कार्य होंगे। धार्मिक उत्सव में जा सकते हैं। व्यापार की गति कम रह सकती है और नौकरी में अधिक मेहनत करनी होगी। सावधानियां, अपने खर्चों पर थोड़ा काबू रखने की जरूरत है। किसी की गलत सलाह परेशानी का कारण बनेगी। बेहतर होगा कि अपने सभी निर्णय खुद ही लें। इस समय किसी भी यात्रा को स्थगित रखना उचित रहेगा तथा कोई भी अनुचित कार्य में रुचि न ले। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा।
प्रेम संबंधों में गलतफहमियों को समय रहते निपटाने का प्रयास करें। आज आप प्रेम से ओतप्रोत होना चाहते हैं और आज के दिन आपने अपने साथी के साथ साझा करने के लिए योजना बनाई है, लेकिन अन्य प्रतिबद्धताओं के चलते आज आप रोमांस और प्यार से दूर रह सकते हैं। समय के अभाव के कारण आपको प्रेम प्रसंगों से दूर होना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ बड़ा कर पाए तो कुछ लघु व प्यार से ओतप्रोत कुछ प्रेम से भरी वस्तु या अपना त्वरित प्रेम अपने साथी को आप दिखा जरूर सकते हैं। आप अपने प्रेम भरे जीवन से खुश हैं, किंतु इसे और भी स्पाइसी बनाना चाहते हैं। इसके लिए कुछ नया ट्राई करें, अपने लुक को बदलें या अपने साथी के लिए उसका पसंदीदा डिश बनाएं। कई बार एक फूल वो काम कर जाता है जो महंगे उपहार नहीं कर पाते। अच्छा, आपको कुछ ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ सकता है जिनकी कल्पना नहीं की होगी। निश्चिंत रहें, रोमांस के मामलों में आप भाग्यशाली हैं। किसी से प्यार करना और उसका इजहार करना सितारों की छांव में अपने भविष्य की योजना बनाने से जीवन के वो पल महकने लगेंगे। बात करते हैं करियर की। दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समय आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इस समय आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आपकी यही लगन सफलता व तरक्की का मूल मंत्र है। अपने मिजाज को नम्र रखें और अहंकार से बचें, क्योंकि अहंकार धन और सम्मान दोनों को नष्ट कर देता है। अपनी जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करने के बाद कोई आर्थिक निर्णय लें, यह आपके लिए और आपकी इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसीलिए आपकी क्षमताओं या विशेषज्ञताओं में भी समय समय पर बदलाव लाते रहें। फायदे के लिए खुद भी बदलें और जब जरूरत पड़े तो अपनी स्ट्रेटजी को भी बदलें। आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए थोड़ा रुकने की जरूरत है एवं आपको कुछ समय निकालने की भी जरूरत है, ताकि आप अपने अतीत के अनुभवों पर विचार कर सकें। आप अपने अतीत का मूल्यांकन करें कि किस चीज को आपको बदलने की जरूरत है और किस चीज को ग्रहण करने की जरूरत है, ताकि आप अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकें। आपको अपनी खुद की क्षमताओं से न्याय करने की भी आवश्यकता होगी कि आपको उसी राह पर चलना है जिस पर आप लंबे समय से चल रहे थे। व्यवसाय में बहुत अधिक व्यस्तता बनी रहेगी और साथ ही कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी नजर रखना जरूरी है। कार्य क्षेत्र से जुड़े सभी फैसले दूसरों से उम्मीद रखने के बजाय खुद ही पहल करने का प्रयास करें। ऑफिस में काम ज्यादा हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। पेट में दर्द, गैस बनने जैसी समस्या तंग करेगी। वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखना जरूरी है। लोगों ने आपको बुरा आदमी समझ लिया है, उन्हें समझने दें और निराश ना हों। समय के गुजरने के साथ साथ उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि आप कैसे आदमी हैं। अपनी प्राथमिकताओं के बारे में एक बार फिर से सोच लें। आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं, इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए तैराकी करें और दौड़ लगाएं। आज का उपाय, गरीबों को आज फलों का दान करें, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।